सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेकमाइंडवर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूवीक्विक वॉलेट बैलेंस लिमिट बढ़ाने के लिए आधार केवाईसी कैसे करते हैं, वॉलेट में रुपए कैसे ऐड करते हैं और दूसरे वॉलेट में रुपए कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने मूवीक्विक पर अकाउंट बनाना और इसे इस्तेमाल करना बताया था। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको केवाईसी कंप्लीट करना बता देता हूँ। अपने मूवीक्विक अकाउंट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ नीचे वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यूज्ड लिमिट 0 है और मंथली लिमिट 10,000 और ईयरली लिमिट 1,00,000 रुपए है। केवाईसी करने के बाद लिमिट बढ़ जाएगी। अब यहाँ कंप्लीट फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी केवाईसी कंप्लीट करने पर ऑफर भी चल रहा है, यहाँ रीड कर सकते हैं, कंप्लीट योर केवाईसी, अप्लाई कूपन केवाईसी 100 एंड गेट रेट्स 100 सुपर कैश। यानी केवाईसी करते टाइम केवाईसी 100 कूपन कोड अप्लाई करना है, तभी 100 रुपए का सुपर कैश मिलेगा। चलिए केवाईसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पर नाम डाल देंगे जो आधार पर हो। अब अप्लाई या कूपन कोड पर क्लिक करके कूपन कोड डाल देंगे केवाईसी 100। अब वेरीफाई वाया ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब एड्रेस कंफर्म किया जा रहा है, चेंज एड्रेस पर क्लिक करके एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए केवाईसी कंप्लीट हो गई है और वॉलेट लिमिट बढ़ गई है। चलिए अब मैं आपको वॉलेट में रुपए ऐड करना बता देता हूँ। वॉलेट में रुपए ऐड आप UPI लिंक बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से कर सकते हैं। मैं आपको डेबिट कार्ड और UPI लिंक बैंक अकाउंट से रुपए ऐड करके बताऊंगा। डेबिट कार्ड से रुपए ऐड करने के लिए यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ रुपए डाल देंगे जितने रुपए ऐड करने हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रुपए ऐड करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देंगे। यहाँ CVV नंबर डाल देंगे। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा रहने देंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पर डाल देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। ये देखिए 50 रुपए वॉलेट में ऐड हो गए हैं। अब चलिए मैं आपको UPI लिंक बैंक अकाउंट से रुपए ऐड करके बताता हूँ। इसे ओके कर देते हैं। अब UPI लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ रुपए डाल देते हैं जितने रुपए ऐड करने हैं। अब यहाँ बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। ये देखिए वॉलेट में रुपए ऐड हो गए हैं। अब वॉलेट बैलेंस 100 रुपए हो गया है। चलिए अब मैं आपको दूसरे मूवीक्विक वॉलेट में रुपए ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। इसे ओके कर देते हैं। होम पर क्लिक करेंगे। अब ट्रांसफर मनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ वॉलेट पर क्लिक करेंगे। जिसको रुपए ट्रांसफर करने हैं यहाँ उसका मूवीक्विक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ रुपए डाल देंगे और ट्रांसफर नाउ पर क्लिक कर देंगे। रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। चलिए अब वॉलेट बैलेंस चेक करते हैं। ये देखिए वॉलेट बैलेंस 0 हो गया है। हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर 100 रुपए हमारे वॉलेट से डेबिट हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा।
जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।